नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। कस्बा भोगांव के योगीराज महाविद्यालय एवं एलएन इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गठबंधन को मजबूती देते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात कही गई। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की रिपोर्ट। कस्बा भोगांव में सपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन नगर में योगीराज महाविद्यालय एवं एलएन इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक आलोक साक्य ने कहा कि हमें सपा बसपा गठबंधन को मजबूती देने के लिए आपसी मतभेद भुलाकर एक होना पड़ेगा। प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ मौजूद रहे, जिससे उसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाजपा को हराने के लिए गठबंधन मजबूत होना चाहिए, जिससे जनता को भाजपा जैसी झूठे वायदे करने वाली पार्टियों से निजात मिल सके। वहीं किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने भी कार्यकर्ताओं को कदम से कदम मिलाकर चलने की नसीहत दी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा, केसी यादव, कामता सिंह यादव, शोभा राय यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। ये पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी माननीय सांसद थे प्रताप के जी के निर्देशानुसार हम लोग बूथ कमेटी की बैठक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज विधानसभा भोगांव में कस्बे की आज मीटिंग हुई, जिसमें भारी तादाद में हमारी समाजवादी पार्टी के साथी और बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी और जिम्मेदार लोग इस पार्टी में उन्होंने शिरकत की। और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता ने कसम खाई है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जमानत जब्त करा के भेजेंगे और माननीय तेज प्रताप जी को हजारों हजार मतों से, लाखों मतों से मैनपुरी विधानसभा से जीत के दिल्ली की कुर्सी पर बैठा लेंगे, लोकसभा की कुर्सी पर। ये पूरे जिले में हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा और जिलाध्यक्ष जी के द्वारा पूरे जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 19 की तैयारी के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है। और निश्चित रूप से ये तैयारी जो हुई है ये आने वाले कल में इतिहास रचेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है उसे यही कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश उत्साह के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद।